ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की मदद कैसे करें? ऑटिज्म से बेहतर तरीके से निपटने के लिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। ऑटिज्म एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जो एक बच्चे के कम्युनिकेशन और सोशल एबिलिटीज को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं कि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की मदद कैसे की जाए। मेडिकल जांच, स्पीच, ऑक्यूपेशनल और अल्टरनेटिव थेरेपी, ग्लूटेन और कैसीन फ्री डाइट और न्यूट्रिशनिस्ट या डायटिशियन की सलाह, इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई सलाह पर एक एक करके नजर डालते हैं। नंबर एक, आपके बच्चे पर ऑटिज्म का प्रभाव तय करने के लिए उसकी मेडिकल जांच करवाएं। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो ऑटिज्म की किस डिग्री से प्रभावित है। अगर आपको पता चलता है कि आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है तो घबराएं नहीं। ज्यादातर बच्चे माइल्ड से मॉडरेट ऑटिज्म से प्रभावित होते हैं, जिसे इस वीडियो में बताई गई थेरेपीज और अन्य चीजों के माध्यम से डील किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं और एलर्जीज है, तो उसका सही इलाज करने से ऑटिज्म के कुछ बिहेवियर संबंधित लक्षण बेहतर हो सकते हैं। नंबर दो, अपने बच्चे के ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेशंस जल्द से जल्द शुरू करें ताकि आपका बच्चा अपने सभी जरूरी काम इंडिपेंडेंटली कर सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत सारे एरियाज पर काम करते हैं, जैसे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग और एंगर मैनेजमेंट। कृपया ध्यान दें कि ऑटिज्म से प्रभावित हर एक बच्चा अलग होता है और उसे अलग अलग एरियाज में ट्रेनिंग की जरूरत हो सकती है। नंबर तीन, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा लाइट, साउंड या टच के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो जल्द से जल्द उसकी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी शुरू करवाएं। नंबर चार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से प्रभावित होने पर बच्चों में भाषा में देरी या भाषा में कमी या भाषा का ना होना, यह एक सामान्य लक्षण है। जितनी जल्दी हो सके बच्चे की स्पीच थेरेपी शुरू करें। स्पीच थेरेपी सेशंस के अलावा आपको अपने बच्चे के साथ नए शब्दों को सिखाने के लिए समय बिताना चाहिए और फिर उसे बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप फ्लैश कार्ड या मोबाइल फोन पर तस्वीरों की मदद से अपने बच्चे को डेली यूज की चीजों के बारे में बता सकते हैं। यदि आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो आप पैक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसे हम पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। तस्वीरों की मदद से आप बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित या मोटिवेट कर सकते हैं। नंबर पाँच, कुछ एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि आपको अपने बच्चे को ग्लूटेन फ्री, कैसीन फ्री डाइट देने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें जौ, राई, जई, गेहूं और दूध से बनी चीजें शामिल नहीं होती हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर सही तरीके से इस डाइट का पालन किया जाए तो ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों में अच्छी इम्प्रूवमेंट होने की काफी ज्यादा संभावना है, पर न्यूट्रिशनिस्ट या डायटिशियन की सलाह से इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद आपके बच्चे को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। नंबर छह, आप टीच मेथड के जरिए भी बच्चे को सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। यह प्रोग्राम विजुअल हिंट्स की मदद से काम करता है। हालांकि कुछ ऑटिज्म एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीच मेथड बहुत सी थेरेपीज को जोड़ने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से यह बहुत कामयाब नहीं मानी जाती। स्टडीज से पता चलता है कि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे ऑडियो विजुअल लर्निंग के माध्यम से काफी इफेक्टिव तरीके से चीजें सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा फोन, आईपैड या लैपटॉप में दिलचस्पी दिखा रहा है, तो इन चीजों की मदद से उसे वीडियो, तस्वीरों और मजेदार खेलों के जरिए डेली लाइफ के जरूरी कॉन्सेप्ट्स और एक्टिविटीज को सीखने में मदद कीजिए। इसके लिए आप L2L जूनियर लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपके बच्चे को उसकी जरूरत के सभी कॉन्सेप्ट्स को खेल खेल में सीखने में मदद मिलेगी। L2L जूनियर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो खास तौर पर ऑटिज्म के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नंबर सात, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज का प्रयोग। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों को अलग अलग थेरेपी के कॉम्बिनेशन से भी काफी फायदा होता है। इनमें से कुछ थेरेपीज है म्यूजिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर और मसाज थेरेपी। नंबर आठ, आप रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन यानी RDI में ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें माता पिता सिंपल एक्टिविटीज के जरिए अपने बच्चों को आसपास की चीजों को समझने और दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में मदद कर सकते हैं। नंबर नौ, जब आपका बच्चा 3 से 4 साल का हो जाए तो उसका स्कूल में एडमिशन करवाएं। ऐसा करने से उसे दूसरों के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा और माता पिता के तौर पर आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि बच्चे को किस किस एरिया में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत है। नंबर 10,
दुनिया भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इस दिशा में नई नई इन्वेंशंस करने में लगे हुए हैं। आप ऑटिज्म से जुड़ी रिसर्च और टेस्ट के बारे में अपडेटेड रहें। मैं फिर से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि अगर आपको पता चलता है कि आपका बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित है तो घबराएं नहीं और अपने डॉक्टर और थेरेपिस्ट से तुरंत सलाह लें। ज्यादातर बच्चे जो माइल्ड टू मीडियम ऑटिज्म से प्रभावित होते हैं उनके गंभीर लक्षणों से उबरने और एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। इसके लिए जरूरत है तो सिर्फ धैर्य, समय पर सही थेरेपीज और बहुत सारे प्यार की। अभी के लिए अलविदा, हम जल्द ही मिलेंगे। और भी बहुत सी सोशल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।